हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के जितने भी पीवाईक्यू हैं, आपके पहले के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, उनसे रिलेटेड वीडियो रहेगा ये। आपको वीडियो के 10 पार्ट मिल चुके हैं, मतलब टोटल हमने 1000 क्वेश्चन कर लिए हैं पर वीडियो, 100 क्वेश्चन। और एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओनली क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि अगर आप कम टाइम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ से कर सकते हैं 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। और दूसरा ये चीज़ कि हरियाणा जीके आपकी 25 मार्क्स की आएगी, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, जो भी हरियाणा में एग्ज़ाम होते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप सभी को पता है कि जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है वो है हमारा पीपल का पेड़, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ में कृषि योग्य भूमि कितनी है? चंडीगढ़ में जो कृषि योग्य भूमि है वो है 1515 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पुरुषों के पहनावे में कितने परिधान प्रमुख होते हैं? तो पुरुषों में 5 परिधान जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं, जैसे आपका धोती है, कुर्ता है, खंडवा है, पगड़ी है, साफा हो गया, कमरी हो गया, अंगरखा हो गया, तो 5 परिधान यहाँ पे हैं। चंडीगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो देखो, अगर कृषि योग्य पूछे तो आपका 1515 हेक्टेयर, सिंचित अगर पूछे तो आपका 2720। संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। चूने के लिए बात करें तो आपका रोहतक में आता है। हरियाणा सरकार ने वन विस्तार के लिए कौन सी विशेष विभाग का गठन किया है, मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है? तो वो है वन्य विकास विभाग। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो ये हमें पता है, ये कहाँ से? नारनौल रेवाड़ी से, ठीक है। वैसे आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है, तो राव तुलाराम ने अंग्रेजों का मुकाबला रेवाड़ी से किया था, तो ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में अधिकतम कितने सेंटीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है? वैसे यहाँ पर देखो एग्जैक्ट आंसर दिया था 216, आप 200 भी लगा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे कुछ है आपका तो 216 ही लगाना। बुजनी जो आभूषण है वो कहाँ पर धारण किया जाता है? बुजनी जो आभूषण है वो कानों में धारण किया जाता है, बुजनी बोला जाता है। अगर आपकी दादी वगैरह होंगी तो आपको पता भी होगा कि बुजनी पहनती होंगी वो, आपको ये चीज़ अगर नहीं है तो वो अलग चीज़ है, माँ से पूछ लेना, या फिर दादी होगी तो आपको पता होगा बुजनी पहनी जाती है। माथे पर आपका बोरला वगैरह पहना जाता है, बोरला बोलते हैं माथे पर जो पहना जाता है उसको। और गले में, नाक में आपका, यहाँ पे मैं बात करूँ एक सेकेंड, एक तो देखो, एक तो होता है कांगनी, कांगनी आपका हल्का कंगन होता है, ये ध्यान रखिए। कर्णफूल जो होता है वो आपका स्त्रियां ही पहनती हैं, वो कान के निचले हिस्से में पहना जाता है, कानों में कर्णफूल भी पहना जाता है, बुजनी भी पहना जाता है। एक होता है गजरिया, गजरिया आपका चांदी का बना होता है और ये आपका पाँव में पहना जाता है। फिर एक होता है आपका गुलबंद, ये मैंने करा रखी है वीडियो, गुलबंद आपका ये जो है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और पट्टी पर छोटे और हल्के से दाने जुड़े होते हैं, चुटकी आपकी जो पैरों में पहने जाती है। फिर एक ना एक आपका ये वर्ड आता है छाछ, इसको ध्यान रखिएगा, ये ना माथे का होता है, तो अगर माथे का पूछें तो माथे का होता है आपका छाछ, और कोका हो गया, लौंग हो गई, तो ये नाक में पहना जाता है आपका। जो आपका दस्तबंद होता है ना, बाजूबंद भी कहते हैं उसको, तो वो हाथ में पहना जाता है। एक वर्ड होता है झालरा, ये गले में पहना जाने वाला होता है, गले में पहने जाने वाला। और एक होता है आपका पतरी बोलते हैं, एक पतरी, चांद सूरज देखा होगा कभी आपने, जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो पहनती हैं, तो ये शतूत के पत्ते जैसा होता है। बोरला आपका माथे पर होता है, ये भी ध्यान रखिए, छाज भी आपका माथे पर होता है। एक होता है मुरकी, मुरकी ये पुरुष पहनते हैं और ये कान का होता है। बुजनी आपकी कानों में पहनी जाती, महिलाएँ पहनती हैं। और फिर एक ना आपका हथफूल होता है, हथफूल अगर किसी की शादी होती है ना तो वो लड़की ज़रूर पहनी मिलेगी आपको। एक वर्ड आता है हसला या हसली, एक वर्ड आता है चांद बिंदु होता है इस पर, हसला या हसली, तो ये महिलाओं के द्वारा ये भी गले में पहना जाता है, ध्यान रखिएगा भाई इनको थोड़ा सा, और वीडियो भी पढ़िए, देख लीजिए। खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखो खरीफ की फसल हो गई हमारी चावल।
एक तो आपको रबी की फसल याद रखनी है, एक आपको खरीफ की फसल याद रखनी है। मैं आपको बता देती हूँ, रबी की जो फसल होती है वो होती है गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, चना, ये आपकी सारी रबी की फसल होती हैं, जो कि आपकी क्या कहते हैं ये अभी नवंबर में लगाई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में, और अप्रैल तक ये काट ली जाती हैं। जो हमारी खरीफ की फसल होती है, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, उड़द, ये आपकी खरीफ की फसल होती हैं। ये आपकी लगाई जाती हैं, ये आपकी लगाई जाती हैं अप्रैल मई में, और ये आपकी अक्टूबर तक काट ली जाती हैं, जैसे अभी चावल हम काटेंगे। दूसरी एक आपकी वाणिज्यिक फसलें होती हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, रेशेदार फसलें हो गई, हमारी दालें हो गई, तो ये सारी वाणिज्यिक होती हैं जिन्हें हम मार्केट में सेल करके आते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिम में 2739 से 3055 उत्तरी अक्षांश पर है, तो ये पूर्व रेखांश में कितना है, तो ध्यान रखिए, अगर आप 2739 याद कर रहे हो तो 2739 3055 कर रहे हो उत्तर पश्चिम का, तो आप पूर्व का भी याद रखिए, 7428 से 7736। हरियाणा से कौन संबंधित नहीं है, नरोत्तम है यहाँ से, वीरभान है, बनारसीदास है, महात्मा हरिदास नहीं है। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल 1.3% है। किस प्रमुख आदि कवि को हरियाणा का माना जाता है, तो हरियाणा का कवि चंद्र बरदाई को माना जाता है, ठीक है। सूरदास हैं इधर से, फरीदाबाद के सी से, बाकी तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास ये अपने यहाँ से नहीं हैं। एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है, तो एयरफोर्स स्टेशन है हमारा तिलपट में, ये याद रखिएगा। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन है, राव वीरेंद्र सिंह थे, और ये गैर कांग्रेसी बनने वाले पहले मुख्यमंत्री भी थे। सोहना नगर ये गुरुग्राम से आओगे तब आता है, गर्म पानी के कुंड के लिए, चरम रोग के लिए और जोड़ों के रोगों के लिए प्रसिद्ध है आपका। हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम है, ट्रैक्टर बनते हैं यहाँ पे, तो ट्रैक्टर का है। साइकिल आपकी एटलस साइकिल जो आपका सोनीपत में है, ठीक है, और बाकी मारुति कार की बात करें गुरुग्राम में और खरखोदा में भी है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, भाई एचपीएससी के जो हमारे अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि राज्यपाल जो होगा वो हमारे राज्य का अध्यक्ष वो प्रथम व्यक्ति होगा राज्य का, जैसे राष्ट्रपति के बारे में है, और एक आर्टिकल है 153, इसमें बताया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में इसकी शक्तियों के बारे में बताया है, इसकी शपथ जो बताई गई है राज्यपाल की, 159 में बताई गई, ये हमारे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमारे प्रेसिडेंट की अपॉइंट करते हैं, ऐसे ही हमारे राज्यपाल की होती है। 153 में इनकी अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति है। 161 में इनको क्षमादान की शक्ति है, ये मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, माफ़ सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और 165 में आपके एडवोकेट जनरल हैं राज्य के। हरियाणा के लोह पुरुष हमारे बंसीलाल को बोला जाता है। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, आचार्य बलदेव, डी ऑप्शन है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के किस जिले की सीमा नहीं लगती, तो रोहतक की तरफ नहीं है, बाकी यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत एक बेल्ट के अंदर आते हैं, रोहतक नहीं है यहाँ पे। कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जहाँ प्रत्येक रविवार राहगीरी के रूप में मनाया जाता है, इस दिन सुबह पैदल चलकर, दौड़कर, जॉगिंग करके और ट्रैफिक रोककर रोड बंद किया जाता है, तो गुरुग्राम में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 1987 में कहाँ पर नागहद कुंड का निर्माण कराया गया था, यह आपका पुंडरिक सरोवर है, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री को भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने कब अपने अधिग्रहण में ले लिया, तो ये ले लिया 23 जून 1981 को। 1937 में आपकी जो भिवानी में टेक्सटाइल मिल है, सूती कपड़ा वस्त्र, उसकी स्थापना हुई थी। बाणभट्ट किसके राजा के मंत्री और कवि थे, हर्षवर्धन के, और कादंबरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। पंडित जसराज का जन्म यह आपका हिसार में हुआ, बी ऑप्शन। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य यह आपका कैथल में है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा वो रहा बी एन चक्रवर्ती का, और धर्मवीर सिंह हमारे पहले राज्यपाल रहे। हरियाणा राज्य जब बना तो 7 जिले अस्तित्व में आए थे, उनमें करनाल भी था, और 1 नवंबर 1966 को बना था हमारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये आपका IIM है रोहतक में। सी फरीदाबाद में सूरदास का जन्म हुआ था। 1886 में हरियाणा की पहली संख्या हिसार में हुई। INC की स्थापना हुई थी, इनके अध्यक्ष थे AO ह्यूम। इसकी स्थापना अगर हुई थी तो एग्जैक्ट डेट अगर मैं बात करूँ तो ये हुई थी 23 दिसंबर था, आई थिंक सो
एक सेकंड, 28 दिसंबर 1885 को INC बनी थी। A.O. ह्यूम ने नेतृत्व किया था, मतलब ये अध्यक्ष थे, थियोसोफिकल सोसाइटी से थे ये। और इनके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं INC के, अभी रिसेंट में मल्लिकार्जुन खड़के हैं, वो भी याद रखिए। हसन खान मेवाती किस युद्ध में बाबर से हारे थे? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें हसन खान मेवाती हार गए थे। हरियाणा में किस शहर से मेट्रो सबसे पहले? तो गुरुग्राम और फरीदाबाद, वैसे गुरुग्राम आएगा आपका। प्रसिद्ध लेखक श्री विशंबर नाथ कौशिक हरियाणा के किस स्थान पर पैदा हुए? ये अम्बाला से थे। पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, वो है संतोष यादव। हीरो होंडा मोटरसाइकिल आपकी रेवाड़ी में है। किस खेत की निर्यातोन्मुखी इकाइयां हरियाणा में लगाई गई हैं? खुम्बी सोनीपत में सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिए। निर्यात भी होता है, यहाँ से भेजी जाती हैं। राज्य सरकार ने किस शुल्क पर कृषि हेल्पलाइन जो सुविधा है वो किसानों को दी है? तो कोई शुल्क नहीं लगता, फ्री में है। नवग्रह कुंड होने के कारण हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। हवाई चप्पल जो हमारी होती बाटा की, महेंद्रगढ़ में बनती है। रामकृष्ण डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री, ये भिवानी में है। हरियाणा में हिसार, करनाल, भिवानी, जींद, नारनौंद के अतिरिक्त किस स्थान पर पक्का रनवे है? ये आपका पिंजौर में है। फिर अगेन संत सूरदास, इनको संत कवि की जन्मभूमि सी गांव को माना जाता है। किस काल में शिक्षा लिखित न होकर कंठस्थ, मतलब वैसे रटी जाती थी? तो पूर्व वैदिक काल में। महाराजा अग्रसेन अग्रोहा से संबंधित थे। हरियाणा में वर्ष 1967-68 में विश्वविद्यालय थे आपके 4, और पहला विश्वविद्यालय हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा की साक्षर प्रतिशतता दर है 76.6 2011 की जनगणना के अनुसार। अंबाला जिला पशुपालन के मामले में 5वें नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं आपके सोनीपत में। हरियाणा में कितने किलोग्राम दूध देने वाले दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है? तो 12 किलोग्राम से जो ज़्यादा दूध देते हैं उनका बीमा होता है। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? ये है आपका हिसार में, ध्यान रखिएगा। और जो आपका NDRI है वो आपका करनाल में है। 12वीं शताब्दी में हांसी और तिरावड़ी में किसने किले का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। एक नई उपरियोजना अश्व उत्पादन केंद्र, ये पूछा भी गया था, ये हिसार में खोला जा रहा है, हिसार में है हमारा घोड़ों का। फरीदाबाद का मुख्य उद्योग है आपका रबड़। मारुति उद्योग किस जिले का प्रमुख उद्योग है? वैसे आपका गुरुग्राम का है यहाँ पे, और खरखोदा आ जाए तो अब खरखोदा में इसकी यूनिट खोल दी गई है, प्रमुख है आपका गुरुग्राम। चैतन्य महाप्रभु का संबंध है कुबेर तीर्थ से। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुओं में कौन सा कुआं बनाया था? तो चंद्रकूप बनवाया था यहाँ पे। ढासी तीर्थ स्थल, ये 54 ऋषि महेंद्रगढ़ ढोसी की पहाड़ियों से रिलेटेड है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ढूंढू तीर्थ की महिमा का बखान किया गया, ऑप्शन डी। हरियाणा के जाबांज सैनिकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 250। माटी का मोल इस उपन्यास के लेखक हैं जय नारायण कौशिक, ऑप्शन बी। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबांज सैनिक कौन है? ये हैं कर्नल होशियार सिंह। हरियाणा के प्रथम कवि हैं उदय भानुहंस। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भारत में हरियाणा में है ऑब्वियसली। और आगे चलते हैं, हरियाणा के सैनिकों को कितना सूर्य पदक मिले हैं? ये क्वेश्चन मत करना, ये वाले अभी रिसेंट के करना, करंट वाले। ताजे वाला स्थान, ये आपका पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है यहाँ से। गुरुग्राम का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है आपका सोहना। ज्योतिसर आपका कुरुक्षेत्र में है, करण झील करनाल में, मोरनी के ताल पंचकुला में आपके। डबचिक झील है आपकी फरीदाबाद में, पर्यटन के रूप में इसको स्थापित किया गया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी। हरियाणा राज्य है, उत्तर पश्चिमी राज्य है भारत की स्थिति से। गीता के सभी 18 अध्याय किस मंदिर की दीवार पर? बिरला मंदिर, ये आपका ज्योतिषर सरोवर से दूर पड़ता है, बाकी सारे मंदिर आसपास हैं कुरुक्षेत्र में। देवीकूप शक्तिपीठ के स्थान पर सती माता का कौन सा अंग कटकर गिर गया था? ये दायां जो टकना होता है पैर का, वहाँ पे गिरा था। एम्स सेकंड कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बाड़सा झज्जर में किया जा रहा है। किसकी मज़ार के प्रांगण में एक पत्थर पर हुमायूं का अभिलेख खुदा हुआ है? किसकी मज़ार है? मीर शाह की मज़ार, ऑप्शन डी। नागौरी गेट हिसार के दक्षिण में किस सूफी संत की मज़ार है? ये नागौरी गेट हिसार में है, ये शेख जुनेद की है। किस पवित्र जल सरोवर में 68 तीर्थों की कांति शक्ति समाहित मानी जाती है? ये है आपका हटकेश्वर। वराह तीर्थ में किस तिथि को स्नान करने से पुण्य मिलता है? पूर्णमासी,
पूर्णमासी जो जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं उसको। हरियाणा में कितने गांव हैं, तो ये डेटा बदल चुका है, ये याद रखिएगा। वैसे 6841 2011 की जनगणना के अनुसार पलवल जिले को दर्जा मिला था 2008 में। तोशाम की पहाड़ियाँ भिवानी में है, तोशाम तहसील वहाँ पे। घरौंडा नगर आपका करनाल में आता है, ये तहसील है। हरियाणा सरकार के प्रथम जो एडवोकेट जनरल थे हमारे, ये थे हमारे आनंद स्वरूप। लोकराज लोकलाज से चलता ये नारा दिया था चौधरी देवीलाल ने। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने बीए की परीक्षा की थी पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब विश्वविद्यालय से। नीले कपड़े पर पीले पाट कढ़ाई वाले घाघरे को क्या बोला जाता है, लह बोला जाता है, औरतें पहनती हैं। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1966 को। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक, 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को इनकी मौत कर दी गई, इनका गुंबद बनाया गया है कैथल में। कपिल मुनि के पिता कदम्ब ऋषि ने कहाँ कठोर तपस्या की थी, ये की थी हंस डहर। पांडु पिंडारा, इसमें आपको सोमवती जो सोमवार की अमावस्या होती है, पूर्वजों को पिंडदान किया जाता है। हटकेश्वर नामक जगह, अभी आपका क्वेश्चन भी आया था, ये जींद में है। डेरा सच्चा सौदा सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है, इसका जो प्रमुख है वो है बाबा राम रहीम, जो कि अभी जेल में है। शकुन विचार किसकी रचना है, आनंद गण बहतोरी के, बहोतरी। कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पहले संत रहे थे आपके लालदास। और हरियाणा के दो अग्रसर वित्तीय और अग्रसर औद्योगिक शहर ये है गुरुग्राम और फरीदाबाद, दिल्ली से ही टच करते हैं, दिल्ली के अंदर ही हैं। प्रदेश के किस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा के नाम से और आम के नाम से अंबाला शहर की स्थापना हुई है। युक्ति प्रकाश है आपकी संत निश्चल दास की रचना। घोड़ा नृत्य आपका विवाह के टाइम पर होता है, सावन महीने में तीज आती है, बच्चे के जन्म पर आपका छठी नृत्य होता है। सतगुरु भेद लिखा है संत ताराचंद ने। प्रतिद्वंदी पहलवान को लगातार दो बार हराकर भारत केसरी और हिंद केसरी बनाने वाले रहे हैं चंदगी राम। अपनी आंखों से ऑल्टो कार को खींचा है विजेंद्र कुमार ने, जो कि स्टील मैन बोले जाते हैं हरियाणा के। रिसेंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपके 100 क्वेश्चन है इस वीडियो के, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप न्यू हो, और प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।